संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। शर्मा गुलेरी की अमर कहानी, उसने कहा था। यह कहानी सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इस एक कहानी ने इन्हें हिंदी साहित्य में अमर बना दिया। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोड़ों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानी निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हरेक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना माई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खोमचे और भारे बालों के जंगल में से राख लेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ए नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिये, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बंबू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेशी से गूथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माछे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुर्माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुर्माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंडकों में बैठे हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाने से 10 गुना जारा और मेह और बर्फ ऊपर से, पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं, गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे दो घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंडक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है।
इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। मगर कोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंडक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंडक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे उसी फिरंगी मेम के बाग में। मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की बरसा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक 1 जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धाबा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उदमी उठ, सिगरी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंडक में चक्कर लगाने लगे। बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाडी होड़ा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तमाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बूढ़ा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बुधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूं। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मानदे पर जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। बजीरा सिंह ने त्योड़ी चढ़ा कर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मनी और तुड़क। हाँ भाइयों, कैसे दिल्ली सहरते पिशौर नू जान दिए, कर लेना लौंगा दा बपार मरिए, कर लेना नारे दा सौदा अड़िए, वो लाना चटाका कदुए नू कद्दू बनाया वे मजेदार गोरिए, हुन लाना चटाका कदुए नू। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे, पर सारी खंडक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौजी करते रहे हों। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और 1 बड़ान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, 1 आंख खाई के मुंह पर है और 1 बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है,
रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। बिलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करें। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूं कहकर ना ही करते बुधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी, और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा, तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई, कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहां उड़ गए, और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहां से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है, लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के बेमजे यहाँ कहाँ। याद है 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी के जिले में शिकार करने गए थे? हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट के मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह बिलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था, उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? बजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर या कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार होड़ा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवे, खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खरके, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले।
तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगरी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंडा साहब की गर्दन पर मारा और साहब ऑक मिन गॉट कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बिनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगरी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, तीन चार लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सिंह होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं, पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहां से सिखाए? हमारे लप्टन साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जारे से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर माझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चे होने के तावीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बर के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू प्रभुराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंद दी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हरका हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धाबे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, बा गुरुजी की फतह, बा गुरुजी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाल सिखां दी फौज आई, बाह गुरु जी दी फतह, बाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरख, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कड़ाह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में 1 गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना सिंह को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाणभट्ट की भाषा में दंत विनोपदेशाचार्य कहलाती। बजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मनमन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची।
फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाही, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बुधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बुधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, बजिया सिंह मेरे पास तो है ही। अच्छा, पर बुधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होड़ा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बुधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, बजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं या रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ? बजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए, अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहां पहुंचा, जब चलने लगे तब सूबेदार बैठे में से निकलकर आया, बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, आशीष सुनी। लहना सिंह चुप, मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुरमाई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू, अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। बजीरा पानी पिला, उसने कहा था, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूं, मेरे तो भाग फूट गए, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की एक घंघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे एक ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था, ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूं। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया, बजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे बजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन, कीरत सिंह? बजीरा ने कुछ समझकर कहा, हां।
भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस आपके हार में आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77, सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।